पंजाब हुकूमत ने 1 लाख खाली असामियों पर भर्ती की इजाज़त दे दी। महकमे स्कूल एजुकेशन में 33,000 असामियों पर भर्ती की इजाज़त, महकमे हायर एजुकेशन में 2600 असामियों पर भर्तियों की इजाज़त दी गई है, जबकि CTI की 3500 असामियों पर भर्तियां होंगी। महकमे जेल में 4000 से ज़ायद असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। मज़ीद तफ़सीला जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा कि 1 लाख खाली असामियों पर भर्ती की इजाज़त दे दी गई। जी बिल्कुल, इसमें आपको बताता चलूँ कि पहली मरतबा हुकूमत है पंजाब की जानिब से, PTI की गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को एक खुशखबरी सुनाई गई है कि पंजाब के अंदर 1 लाख भर्तियां जो है वो की जाएंगी, जिसमें जो महकमे हैं इसमें लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, महकमा हेल्थ है, इसके साथ साथ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में भी भर्तियां की जाएंगी, महकमा जेल खाना जात में भी की जाएंगी। जो सबसे ज्यादा भर्तियां हैं वो महकमा तालीम में 33,000 से जायद जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी, जिसमें ग्रेड 14 से 16 तक के एजुकेटर्स जो है वो भर्ती किए जाएंगे। इसके साथ साथ महकमा हायर एजुकेशन में भी बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी, जिससे काबिल जिक्र आपको बात बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने पटवारियों की भी बड़ी तादाद में भर्ती जो है उसका ऐलान किया है, जिसमें 4800 के करीब पूरे पंजाब के अंदर जो पटवारी हैं वो भर्ती किए जाएंगे। पहले फेज के अंदर 3000 पटवारी जो है वो भर्ती किए जाएंगे। इसके साथ साथ महकमा जेल के अंदर भी 4000 से ज्यादा लोग जो है वो भर्ती किए जाएंगे। जी ठीक है, वसीम अहमद, आपका बहुत शुक्रिया।